एवरीवन, वेलकम टू कुलदीप्स टेस्टफुल किचन। आज मैं विंटर स्पेशल गुड़ की रोटी लेकर आई हूँ, और ऐसी रोटी आपने पहले नहीं खाई होगी। बहुत आसान तरीका है। कभी कभी हम जब गुड़ का परांठा या रोटी बनाते हैं ना, अंदर बेल कर, तो वो पिघल जाता है और तवा भी उससे खराब हो जाता है। तो एक बहुत आसान तरीका आपको बताती हूँ उसके लिए। हमने ये, जैसे हम साधारण रोटी बनाते हैं, तो ये है लगा हुआ आटा और ये है गुड़। गुड़ देखिए, जैसे हमारा ये प्योर गुड़ है, यानी जो भी काला गुड़ होता है ना वो प्योर होता है। इसको हमने क्या किया है, ग्रेट नहीं किया। ग्रेट करके क्या, चिपक जाता है, चिपका चिपका हो जाता है। तो इस बार आप इस तरह से करके देखिए, ऐसे करके आप इसको चाकू से आप इसके फ्लेक्स टाइप ऐसे कट कर लेंगे और ये ऐसे बारीक हो जाएगा, चिपकेगा नहीं हाथ में। मेन प्रोसेसर ये है। घी लेना है, सूखा आटा लेना है रोटी बनाने के लिए, और बस इसी से हम एक टेस्टी सी रोटी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोई तोड़ेंगे। जितनी भी बड़ी आपको रोटी बनानी है उसके लिए आप ऐसे एक लोई बना लेंगे। इसको सूखे आटे में डस्ट करेंगे और इसको हम बेलन की सहायता से बेल लेंगे। बहुत ज्यादा मोटी नहीं, बस जैसे आप सादी रोटी बनाते हैं उसी तरह से आप इसको बनाएंगे। चपाती का आटा लगाना मैंने आपको बताया है, जहां मैंने चपाती बनानी बताई है बिगनर्स रेसिपी में, और ये आप जरूर टेस्ट कीजिए, जरूर बनाइए और खाइए। तवा हमने पहले से गर्म होना रख दिया है, इस पर डालेंगे हम अपनी ये रोटी और इसको सिकने देते हैं। और अब हम इसको इधर से भी रोटी को सेक लेंगे। आप देखिए हल्का हल्का निशान इस पर रोटी पे आ गया है। अब हम दूसरी तरफ से सेक लेंगे। और ये मैं पहले भी अपनी वीडियो में बिगनर्स रेसिपी के लिए जो मैंने रोटी बनाना बताई है उसमें आटा लगाना और रोटी बनाना दोनों बताया है। ये देखिए दूसरी तरफ से जब ऐसा हो जाए, ये इस टाइप की हो जाए, तब हम इसको नीचे गैस को पर उतार लेंगे और इसको सेक लेंगे। और ये देखिए हमारी ये फूली फूली रोटी बनकर तैयार है। हमें इसे थोड़ा सा दोनों तरफ से सेक लेना है। देखिए आपको दिख रहा है ना, बहुत अच्छे से सेक गई है ना। हम रोटी को ऐसे नीचे उतार लेंगे और जल्दी से ही गरम रोटी में ऐसे हम ये कट लगाएंगे। थोड़ा ध्यान से करें, ये देखिए थोड़ा ये फाइन चाकू लेके हमने इसको किया है। अब ये देखिए ऐसे हमारे ये निकल गई है रोटी। अब हम इसमें ये ऐसे गुड़ जो है वो सारा स्प्रेड कर लेंगे। गुड़ को अच्छे से इसको फैलाना है हमें पूरी रोटी में, और इसको हम एक बार फिर से तवे पर रखेंगे। और ये जो सीधी साइड है उसको हम ऊपर ही रहने देंगे। गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे, बिल्कुल स्लो कर देंगे। और ये देख सकते हैं आप, इसको बिल्कुल धीमी आंच पर हम इसको एक मिनट के लिए पकाएंगे। और देखिए बिल्कुल धीमी आंच पर ये देखिए आप गुड़ जो है पिघलना शुरू हो गया है, आप देख रहे हैं ना। तो ये बहुत आसान है इस टाइप से। और जब ये पूरा पिघल जाएगा ना, तब हम इसको नीचे उतार लेंगे। और अब हम इसको ऐसे नीचे रख लेंगे और तब तक दूसरी रोटी हम तवे पर डाल देंगे। इसको भी सिकने देते हैं और तब तक मैं आपको ये दिखाती हूँ। अब रोटी पर लगाएंगे हम घी। गरम गरम रोटी है, क्रिस्पी है, बहुत ही बढ़िया है। और ये रोटी जो है वो खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, बहुत ही बढ़िया। देखिए अंदर से मैं पिज्जा कटर से कट करती हूँ। आप ये खाने के बाद एज ए डेजर्ट दीजिए, या किसी दिन मीठी रोटी खाने का मन है तो ऐसे खाइए, बहुत ही यम्मी लगती है। और ये देखिए है ना मजेदार लग रही है ना, टेस्टी। और खाकर देखिएगा, क्योंकि नीचे का जो है ना हिस्सा वो क्रिस्पी हो चुका है। ये देखिए गर्मा गर्म रोटी। एक और हम तैयार करते हैं। इसको भी हमने ऐसे सेक लिया है दोनों तरफ से और इसको नीचे फुलके की तरह सेक लेंगे। और रोटी जो है वो फूलनी चाहिए, बस अच्छे से फूल जाए रोटी, अच्छा आटा लगा हुआ हो तो ये बहुत अच्छी लगती है। गैस को करते हैं ऑफ, रोटी को लेकर आते हैं इधर और उसी तरह से इसको कट करेंगे। बहुत ध्यान से आपको करना है क्योंकि ये भाप लग सकती है। इस तरह से हम इसको कट करेंगे
कट कर लिया है, ऐसे उठाएंगे ऊपर, बहुत आसान है देखिए। और इसको इस तरह से डालेंगे, जितना आपको गुड़ भरना है, बस पूरा कवर हो जाना चाहिए रोटी। और ये बड़ी अच्छी रोटी है, हेल्दी रोटी है, जाड़े में खाने के लिए अच्छा एक डेजर्ट है। और इसको करेंगे बंद, तवे पर सेक लेंगे। तवे पर हमने रख दिया है, इसकी ऐसे भाप को निकाल देंगे और बिल्कुल सिम पे, ताकि रोटी जो है ना पीछे से जले नहीं, बिल्कुल सिम पर हम इसको करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और देखिए ये यमी सी लगने वाली रोटी, ये देखिए जबरदस्त, ये देखिए। और इसको करते हैं हम पैक, यानी आपको बेलने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसको हम नीचे रखते हैं घी लगाने के लिए प्लेट पर, ये देखिए। और इस पर लगाएंगे हम घी, घी आप अपनी इच्छा से कम ज्यादा लगा सकते हैं। और जो आप आटे में गूंद के बनाते हैं, अगर वो मुश्किल लगता है तो ये बेस्ट तरीका है इस तरह रोटी बनाने का। और पिज्जा कटर से काट लीजिए, ताकि वो पीसेस जो है ना खाने में बहुत इजी रहें। और ये देखिए यमी सी लगने वाली ये रोटी, वाव, गरम है, बहुत टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। और मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि रोटी ठंडी होने के बाद भी क्रिस्पी है और जली भी नहीं है, क्योंकि गुड़ से जो ना वो स्टिफ हो गई है ऐसे। तो खाकर जरूर देखिएगा, बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज।